वेलकम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 से एनसीईआरटी बुक के इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, सिंपल है। एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। डायग्राम को देखें, एडी एंड बीसी आर टू इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट एबी। इस लाइन सेगमेंट एबी पर एडी परपेंडिकुलर है और बीसी परपेंडिकुलर है और एडी और बीसी के लेंथ इक्वल है। शो दैट सीडी बाइसेक्ट्स एबी। दिस लाइन सेगमेंट सीडी बाइसेक्ट्स एबी। इन सब में प्रूफ करना है ओए इज इक्वल टू ओबी। काफी आसानी से कर सकते हैं। पहले हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करने की कोशिश करेंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे? दो एंगल 90 डिग्री गिवन है, इक्वल है, ये दो साइड गिवन है। अगर हम एक एंगल दोनों में इक्वल शो कर लेते हैं तो फिर हमें थ्योरम नंबर 7 से मिल जाएगा एंगल साइड एंगल का रूल, और उससे हम कह सकते हैं कि एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इसलिए सीपीसीटी से OA इज इक्वल टू OB भी इक्वल होगा। इट मींस ये प्रूफ हो जाएगा कि CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है। करेक्ट, ओके। देखते हैं सॉल्यूशन। हम लोग सबसे पहले ज्योमेट्री में हम लोग जो गिवन होता है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? गिवन है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। तो हम ये देख रहे हैं कि AD इज इक्वल टू BC गिवन है और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसलिए OBC और OAD दोनों इक्वल होंगे। एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OAD, दोनों इक्वल होंगे और दोनों 90 डिग्री के साथ इक्वल होंगे। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना होगा कि AB को CD बाइसेक्ट कर रहा है। ये काफी आसानी से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि अगर दो लाइन पैरेलल हो और अगर एक ट्रांसवर्सल हो तो वैसी हालत में ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो कहलाते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि BC इज पैरेलल टू AD, क्योंकि इस BC इस AB लाइन पर ही BC और AD दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो ये हम लिख भी लेते हैं कि here BC is perpendicular on AB and DA is perpendicular on AB। therefore अगर एक ही लाइन पर दो परपेंडिकुलर हो तो वो दोनों पैरेलल होते हैं। so therefore BC is parallel to DA। और जब BC और DA अगर पैरल हो जाएगा तो दोनों लाइन को जो ज्वाइन कर रहा है CD, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। एंड CD इज अ ट्रांसवर्सल, CD इज अ ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल होने से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल OCB is equal to angle ODA, ये इक्वल हो रहे हैं क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। करेक्ट, तो फिर हम क्या कर रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल भी देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल OBC और OAD कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAD, कंडीशन एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। करेक्ट, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट से फिर CPCT से हम लोग कह सकते हैं कि ये साइड OB और दूसरा साइड OA इक्वल होगा। देयरफॉर
OA is equal to OB. रीजन क्या है, बेसिस क्या है, CPCT से. और जब ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए इसका मतलब O मिड पॉइंट हो जाएगा, दैट इज O इज मिड पॉइंट ऑफ AB. और मिड पॉइंट अगर O है जो CD पास कर रहा है O से, इसका मतलब CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को, दैट इज CD bisects AB. इस पॉइंट पर वो भी लिख दे सकते हैं एट O. तो ये प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना था, शो दैट CD bisects AB इस पॉइंट पर O पर, करेक्ट. तो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी सिंपल है, जस्ट जो हम लोगों ने एग्जाम या थ्योरम देखा है उसको माइंड में रखना है और उस रूल को, उस प्रॉपर्टी को यूज करना है, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, और जो भी हमें प्रूव करना है हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं. तो आप बने रहें इस चैनल के साथ, वीडियोस के साथ. हम आगे आने वाले वीडियो में भी और भी क्वेश्चन सीरियसली डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर नंबर 7 से, एक्सरसाइज 7.1 से, और आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे. दोस्तों को भी ये वीडियो आप शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले. और अगर ये वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो अपना लाइक्स जरूर दें. थैंक यू वेरी मच. विश यू ऑल द बेस्ट.